आप लोगों ने मुबारकबादियां दी, आपको भी मुबारक हो। इसे सारी दुनिया में आज न जाने कहां कहां आपकी मां का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसके बारे में ये कहना है कि वो भी आप लोगों में बैठे हुए यहां मुबारकबाद दे रहे हैं। इस 17 साल के सहयोग की कार्य में जब हम नजरअंदाज करते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी ध्यान में आती हैं कि जो बड़ी चमत्कार पूर्ण है, माना सारा जीवन ही जैसे लगता है एक काबिज है। ये तो सोचा ही था शुरू से ही कि इस तरह का अनूठा कार्य करना होगा, उसके लिए तैयारियां भी बहुत की थी, बहुत मेहनत तपस्या की थी, लेकिन हमारे घर वालों को इसका कोई पता नहीं था। इसी तरह से चोरी छिपे अकेले में ध्यान डाला और विचार करते थे कि किस तरह से मनुष्य जाति का उद्धार सामूहिक रूप से होता है। जब ये कार्य शुरू हुआ तब भी इतने जोरों में ये कार्य फैल सकता है ऐसा मुझे एहसास नहीं था, लेकिन एक जीवंत क्रिया है और जीवंत क्रिया किस तरह कहां फलित होगी उसके बारे में आप कोई भी अंदाज पहले से लगा नहीं सकते। इस तरह से सामूहिकता में ये कार्य अचानक घटित नहीं। सर्वप्रथम बहुत कम लोग पार, लेकिन जब पूरी इसका हम सिलसिला ढूंढते हैं और सोचते हैं कि इतने 17 साल में सहयोग में हमने क्या देखा, तो पहली बात ये ध्यान में आती है कि मनुष्य के स्वभाव की हमें कल्पना भी नहीं थी। और जब सहयोग में मनुष्य स्वभाव से परिचित हुए तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनुष्य में कोई सी भी जागृति नहीं है। वो ध्यान करता है, धारणा करता है, परमात्मा की बात करता है, सब तरह से प्रवचन कर सकता है, बोल सकता है, सब कार्य करता है, अपने को गुरु कहलाता है, उसके हजारों शिष्य हैं, लेकिन सत्य में उन्हें असल की रियालिटी की कोई खबर नहीं। और बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनुष्य अज्ञान के बहुत बड़े कोहरे में दबा हुआ न जाने कहां अपना सत्ता चला गया। लेकिन दूसरा जो अनुभव हुआ वो ये कि जब मनुष्य को जागृति हो जाती है,
जब उसके आत्मा का जागरण हो जाता है, सिर्फ उसी वक्त उसमें परिवर्तन घटित होता है। उससे पहले किसी भी चीज से उसमें परिवर्तन होना कठिन है। एकाग्रता हो क्या हो, लेकिन मेरी नजर में तो एक भी नहीं आया। उसके अंदर परिवर्तन आना सिर्फ कुंडली के जागरण से ही हुआ है। इसका मतलब है आत्मा के जागरण के बगैर मनुष्य घोर अंधकार में बैठा हुआ था। सब ये बातें थी, सब ये सोचना था, सब ये लिखना था, लेकिन इसका कोई भी तात्पर्य अर्थ उनके जीवन में नहीं दिखाई देता। और फिर तीसरा अनुभव ये भी आया कि जो लोग जागृति में आ भी जाते हैं, वे भी किसी न किसी तरह से अपने पुराने स्वभाव में पकड़ा जाता है और उसको कारणीभूत थोड़ी सी चीज हो सकता है। जैसे एक साथ सहयोग में आए लंदन में और के बहुत सुंदर वाइब्रेशन आए, उस चैतन्य को देख के मैंने उनसे कहा कि आपने तो कोई बड़ा पुनर्जन्म में सुकृत किया होगा और उस सुकृत के कारण ही आप इतने ज्यादा चैतन्य से भरे हुए। बस इतना कहना था, उनकी जो सीधी खोपड़ी थी वो ऊंची हो गई, जो सीधे चल रहे थे वो ऊंटे चल रहे। मैंने तो सोचा कि इस प्रशंसा से ये कोशिश करेंगे कि हम और आगे जाए और आगे बढ़े, बजाय इसके उनकी तो खोपड़ी ही ऊंची हो। और उनको देख के मैं अचंभे में रह गई कि अगर किसी आदमी को आप एक तोला सोना दे दे तो वो कोशिश करेगा कि वो एक तोले का दो तोला बनाए, ऐसी उम्मीद मुझे थी। जैसे कि हुआ, जैसे कि मछली से आप कछुआ बन गए, फिर उससे आप कुछ और हो गए, फिर कुछ और, फिर कुछ अनुभव ऐसे आए कि कोई भी चीज हो सकती थी। अगर कोई उनको आप जड़ वस्तु दे दे, जो कि जड़ वस्तु है, बिल्कुल जड़ वस्तु, लेकिन आप उन्हें जड़ वस्तु दे दे तो वही जड़ वस्तु लेकर के वो लोगों का साथ बड़ा अत्याचार करते। बहुत सारे अत्याचार करते, छोटी सी आप उनको पदवी दे दीजिए, फिर तो वो हिटलर बन जाते। अगर उनसे आप प्रेम से बात करें और उनपे आप विश्वास आ गए तो वो हमारा ही नाम लेकर के और दुष्टता पे आ जाते। लोगों से बदला लेना, उनको तकलीफ देना, उनके साथ अत्याचार करना, हमारे साथ कितनी दुष्टता है। परमात्मा प्रेम और प्रेम ही परमात्मा, प्रेम के बाद सब आगे। सर्वप्रथम परमात्मा ने इस संसार को प्रेम ही पाया। अगर वो प्रेम नहीं करते तो यह संसार ही नहीं बनता। फिर आप सच्चिदानंद आदि की बातें करें,
लेकिन प्रेम की जैसे कोई व्याख्या नहीं हो सकती, उसका कोई वर्णन हो नहीं सकता, उसका आनंद बताया नहीं जा सकता, उसी प्रकार परमात्मा के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे महाशुद्ध प्रेमी बात आपसे शुरू से हम कर रहे हैं और सारे जीवन भर हमने आपको प्रेम के सिवा और क्या दिया, और हमारे पास नहीं क्या देने को जो हम आपको दें, ये तो सिर्फ प्रेमी के करिश्मे है। प्रेम से ही सब चीज बनी। जिसने सहयोग में आकर के प्रेम करना नहीं सीखा, उसने अभी तक सहयोग को समझा नहीं। सबसे पहली चीज है कि हम किससे ज्यादा लोगों से प्यार करते हैं। दो चार चमचे इकट्ठे कर दिए, जैसे आजकल बड़ा शब्द है चमचा, वो मैंने पहले पता नहीं होता था चमचा शब्द का, सहयोग में आकर पहले पता हुआ कि वो एक दूसरे को चढ़ा कर देते हैं, फिर एक सूत्री बन करके और सब पे उड़ा चलते। ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना बड़ी भारी अंधकार चेष्टा है, ये तो शैतानों के काम। आपको जो अधिकार है वो ये कि हमने आपसे प्यार किया और आप दुनिया से प्यार कर लिया, ये आपका अधिकार है। जब मेरा मेरा ही नहीं छूट रहा है, ये मेरा तेरा अभी तक चल रहा है, तो सहज योग कहां गठित हुआ? संसार में देखिए कितनी जीवित वस्तु है, एक मनुष्य छोड़ करके कोई ऐसा कहता है ये मेरा है। पेड़ है अपने फल दे देते हैं, नदी अपनी नदी पानी दे देती है, मेघ अपने वर्षा कर देते हैं, पृथ्वी अपना सारा सौंदर्य आपके सामने प्रकटित कर देती है। कोई रोक के रखता है क्या? जब आप उसी निसर्ग सिद्ध जीवन प्यार के प्रवाह में बह गए, तब से हम ऐसी शुद्ध छोटी छोटी बातों को याद करने की क्या जरूरत है? हर तरह से अत्याचारी बना होता है। जैसे कि एक साहब आए, कह लिया मैं तो 4 बजे उठ के माँ उधार में बैठता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, और ये जो है ये आदमी बताइए भाई छोड़ दो उसे, तुम 4 बजे उठ के सारे घर को क्यों जगाते? जिसने कहा था 4 बजे उठो ध्यान करने को सहयोग में नहीं, 4 बजे उठो सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ध्यान कराओ मैं ध्यान कराओ, ये सब बातें गलत है, ये बेकार। आपको जब ध्यान में उठना है तब आप उठ करके ध्यान करें, जब तक आपकी चित्त वृत्ति शिथिल है, जब तक आपका चित्त ही परमात्मा में लीन नहीं हुआ, तो उसको जबरदस्ती करने से ये बैल चलने वाला नहीं। जब तक ये चित्त का बैल घोड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक ये दौड़ने वाला नहीं है, ये तो अपनी गति से चलेगा। लेकिन इस बैल को ठीक करने के लिए आपके पास आपके आत्मा का प्रकाश है, उस प्रकाश को आप उपयोग में लाए, उसको प्रकाश को आप दूसरों की ओर फेंकते, दूसरों को दिखाते कि हम बड़े प्रकाशमान हैं। लेकिन अगर आप हैं प्रकाशित तो लोगों को कहना चाहिए कि हाँ ये एक अपनी शान में खड़े होना चाहिए।
अपने सुख में अपने आनंद में खड़ा होना चाहिए। कोई आपकी बदनामी करे, कोई आप कुछ भी कहे, जब तक आप जानते हैं कि सब झूठ है तो आपको उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है। आप जब किसी को हुक्म देते हैं तो जान लीजिए कि आप सच बिल्कुल ही नहीं सकते। चालना देने के लिए आप स्वयं ही एक निष्ठावान सहज हो। सब लोग ये सोचते हैं कि हम तो माँ को सरेंडर्ड है, माँ हम तो बहुत बदल गए, हम आपको सरेंडर्ड है। कहीं सरेंडर्ड की तो बात मुसलमानों के वक्त में कही गई थी, इस्लाम का मतलब होता है सरेंडर। अब सरेंडरिंग की जरूरत नहीं, अब समझ की जरूरत है, अब भक्ति की इतनी जरूरत नहीं है, अब विस्डम सुबुद्धि की जरूरत है। हो गया, सब करना था सो हो गया, अब आप स्टेज पे आ गए, सब तैयारियां हो गई, अब आपको खेल पूरा खेलना है। लेकिन ये भी हम लोग अभी तक नहीं समझ पाते कि सहयोग में अब हम कहां बैठे। पहले आप लेते थे, अब आप देने वाले हैं, और देने वाला ही महामूर्ख जैसे लेने वाला ही हो, और अभी लेने वाले ही की भूमिका चला रहा हो, तो उसके प्रति कौन आदर करेगा और उसके सहयोग को कौन मानेगा। देने वाले में जो एक आनंद, एक अपने प्रति मान, दूसरों के प्रति अनुकंपा, संसार के प्रति दक्षता, सृष्टि के प्रति दृष्टि, महानता की तरफ उच्चता, ये जब तक हमारे चरित्र में नहीं प्रकाशित होगी, चरित्र में प्रकाशित नहीं होगी, तब तक न हमें कोई मानेगा न आपको मानेगा। और ये सब मिला जुला करके एक ढाई अक्षर ही बनता है जिसे प्रेम कहा जाता है। और आप प्रेम करके देखिए, आपका गुस्सा करने का जो स्वभाव है वो छूटता नहीं। मैंने तो यहां तक सुना कि कुछ सहयोगी गाली गलौज करते, आप अपशब्द मुंह से निकाल ही नहीं सकते, आपका हरेक अपशब्द अमंत्र हो जाए। इस सृष्टि में जितने अपशब्द हैं उनको पूरी तरह से मिटाने के लिए आपके लिए जागृत मंत्र किए गए। बजाय इसके कि उसको आप जागृत करें, आपके पास जो ये मंत्र विद्या दी हुई है उसी को आप नष्ट कर रहे हैं। ऐसे आदमियों के मंत्र भी अमंत्र से भी अशुभ हो सकते हैं। सहयोग की सभ्यता बाहरी नहीं, अंदरूनी है, पर इसका मतलब नहीं कि अंदरूनी सभ्यता है और बाहरी असभ्यता है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ये लोग कहते हैं कि हमारा दिल तो साफ है, बाकी चाहे जैसा। इससे आप सहयोग का प्रकार बाहर कैसे पहुंचाए। कोई कदम अंदर से कितना भी साफ हो, जब तक उसका कंगली साफ न होगा, जब तक उसका प्रकाश लोग नहीं देखेंगे, तब तक ऐसे अंदर के प्रकाश को भी लेकर क्या करना। बहन जाना
बहुत बड़ा अनुभव हमने सहज में किया कि लोग बहक जाते हैं, पैसे के लिए बहक जाएंगे, सत्ता के लिए बहक जाएंगे, ऐसी ऐसी छोटी बातों पर बहक जाते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि कहाँ इन्होंने आत्मा पाया और ये बहक कैसे है। बहकने के लिए मैं जानती हूं कि शक्तियां बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी शक्ति मिली जो कि हजारों वर्ष की मेहनत से भी नहीं मिलता, लेकिन इसी में जो अनुभव आए वो इतने सुंदर और अनुभव है। सहयोग में कोई कोई लोग इतने सुंदरता से परिवर्तित हो गए, उनका जीवन इतना गौरवशाली हो गया कि उसे देख करके बड़ी भक्ति सी लगती है। ऐसा तो किसी भी अवतरण में नहीं हो पाया, इतने सारे लोग, इतने सुंदर लोग, इतने ऊंचे लोग, इतने पवित्र लोग, इतने शक्तिशाली लोग तो किसी भी अवतरण के नसीब में नहीं है। जो हमारे नसीब में आए उसका समाधान बहुत, लेकिन कभी कभी फूल के साथ कांटे भी चुभ जाते हैं तो भी उसका शल्य तो चुभता ही रहता है, और फिर लगता है कि बार बार कह दूंगी तुम परिवर्तित हो जाओ, तुम्हारे कांटे भी फूल समान होकर सुगंधित हो जाए। सारी चीज एक समझने की है, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा योग, ग्रह मंडल, ब्रह्मांड, सारे जो कुछ भी बने वो सारे आपके परिवर्तन का इंतजार करते हैं, वो सब देख रहे हैं कि कब ये वायुमंडल बदलने वाला है और कब हम इन पर पुष्प वर्षा करें। इन सब का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा अगर मनुष्य सहजों में आकर के भी परिवर्तित नहीं हो। हमारे 17 साल की मेहनत में हो सकता है कि इन घाटों से कभी कभी हमें जीवी चुराया हो और कभी कभी उधर आंखें भी बंद कर ली, कभी कभी कांटों को भी कहा ठीक है, एक आशा में कि सबका परिवर्तन हो सकता है, कोई चीज अशक्य नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि सहजों कांटों को पनपता है कि उसका वो संबल है या उसको वो सपोर्ट करता है, कभी भी नहीं। ऐसे कांटे हमेशा निकाल कर फेंक दिए जाए और जब तक वो परिवर्तित नहीं होंगे वो फिर इस आकार प्रकार में आ नहीं सकते। ये नियति है, इसे हम नहीं बदल सकते और इसे आप नहीं बदल सकते। ये चक्र ऐसा है कि इस चक्र में आपको सबको अपना परिवर्तन खोजना चाहिए। छोटी छोटी चीज में जब अहंकार आदमी को लगता है, जैसे कोई है मैं इनकी आर्थिक हूं, क्यों आप क्यों आर्थिक करना चाहते हैं, मैं पैर मैं पूजा करूंगा, जहां तक ये मैं चलता रहेगा वहां तक सहयोग भी हटता चला जाएगा। कोई सा भी जब कार्य इच्छा बुद्धि आपको मैं का लक्षण देती है
ऐसे कार्य में सहज हो आना, ऐसे बुद्धि में सहयोग का कोई स्थान नहीं। इसका मतलब तो यह है कि आपके अपने भावना में भी सहयोग नहीं, आपके भक्ति में भी नहीं। इस मैं को छोड़ना ही बहुत बहुत होगा, किसी किसी में तो सिर्फ मैं के और बचाए ही नहीं, और उसी के नशे में, उस मैं के नशे में ही इतनी हालत हो जाती कि जब आप अपने मैं में बोलते हैं तो मुझे भी सुनाई नहीं देता और मेरी भी समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो ऐसा ही मुझे लगता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सांप है वो अपने फुटकार छोड़ रहा है। ये कौन सी भाषा बोल रहा है, ये हमारी तो भाषा नहीं और न ही ये मनुष्य की भाषा। इसमें प्रेम की आदत, प्रेम का दिलासा नहीं, प्रेम का आभास करने ऐसे कार्य पूरी करके आता है। कार्य करने के लिए तो बिजली है, कार्य करने के लिए नाद है, ओंकार साक्षात खड़े हैं, उसको किसी की जरूरत क्या कार्य करती है। लेकिन आपके अंदर ओंकार का निनाद आने के लिए आप स्वयं को वाद्य होना चाहिए जिससे ये निनाद, उस अंधकार में बैठने से भी क्या फायदा है, ये भी मैं अपने निर्वाच्य प्यार से आपसे पूछती हूं कि इस अंधकार से आप ऊब नहीं है, डर नहीं है, और जो कुछ भी मैं देखती हूं और उनसे इतने सुंदर महानुभाव हमारे सहयोग में सामने खड़े हुए हैं, मैं कहती हूं इतने तो किसी भी समय में नहीं हुए थे, और वो दिन दूर नहीं इस दिन सहयोग चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जिस दिन सारे संसार में सहयोग की पता पड़ेगी। मुझे बिल्कुल उस पर शंका नहीं रही थी, लेकिन उनके लिए जरूर विचार आता है जिन पर इतनी मेहनत की और उन्होंने हमारे प्यार को नहीं समझा, हमको ही नहीं समझा, वो क्या सहयोग को समझ पाए। आपके प्यार से आंख में आंसू आ जाते हैं और क्या कहे क्या न कहे इसी विचार में गला भी डूब जाता है। ये सब कृष्ण की लीला है जिसने सिवाय माधुरी के और कोई बात ही नहीं कही। उन्होंने होली इसलिए रचाई कि दुनिया भर के दंडवाद लेकर के राइट हैंड से पानी देना कि लेफ्ट हैंड से पानी देना कि इधर में दीप लगाना कि उधर में दीप लगाना, इस सारे दुनिया भर के चक्करों से छुट्टी करने में सरकार बोली तुम रंग खेलो, पर रंग तो खेलो न कि मिट्टी न कि गंदी चीजें और गोबर, आप उसने तो छान, लेकिन मनुष्य वही करता है, उसके और उसे मना नहीं आता। पता नहीं कुछ लोग शायद हो सकता है कि वास्तव में सहयोग में इसलिए भी आए हो कि वो अपनी पुरानी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी करें, हो सकता है, कभी कभी मुझे ऐसे शंका था। लेकिन जो जन्म जन्मांतर की चीज आप लोगों को बताई गई थी कि आप अपने आप को आपको पाइएगा और उस आत्मा के सारे आनंद के क्षेत्र आपके अंदर प्रकटित होंगे और एक आप बहुत महान आत्मा बनेगी।
बनेंगे, एक प्रेम के साधन बनेंगे। वो सब जो कुछ भी आपसे वादे किए गए वो सारे पूरे करने के लिए सहयोग संसार में आया है। और अब अगर आप अपनी मूर्खता में उसे खोना चाहते हैं तो एक बात सिर्फ यही बार बार कहेंगे, बेटा तू समझा नहीं है। जब पानी को पीना होता है तो प्रेम से पिया जाता है, उसको धुतकार कर आप कैसे पिए? आपको समझाने में शायद मेरे शब्द पूरे न पड़ते, हो सकता है कि मैं अपने हृदय की बात आपसे पूरी तरह से नहीं कह सकती, हो सकता है आप मेरे अंदर के आंदोलन को समझ नहीं रहे। मैं उसके लिए आपसे कोई शिकायत नहीं, मेरी शिकायत सिर्फ ये कि आप अपने आंदोलन को देखिए, आप अपनी गंभीरता को देखिए, आप अपनी शान को देखिए, आप अपनी संपत्ति को देखिए, उसका उपभोग करें, उसमें आप आज जन्म दिवस का समारोह हुआ। हमारे जन्म से हमारा कोई मतलब ही नहीं, जन्म हुआ सो हो गया, उसमें क्या विशेष, और जन्म दिवस भी आया तो क्या हुआ? ऐसे तो रोज ही किसी न किसी का जन्मदिन होता ही रहता है, रोज ही कोई ना कोई पैदा होता है, रोज ही कोई ना कोई मरती रहता है, ये तो परिवर्तनशील हर क्षण है, इसकी विशेषता ऐसी तो कोई नहीं। लेकिन तभी इसकी विशेषता होती है जब समा ठहर ठहर उसी स्थल ठहर उसी क्षण उसका जन्म आ उसके साथ एकाकार हो जाए। आज हमारे जन्मदिवस के वक्त आपने हमें कीर्ति दी है, इसमें कृपा है, स्नेह है, नेहा है, प्यार है, वही प्रेम वही स्नेह। आप सबको आज के दिन यही आपको जो दीजिए कि इस क्षण आप ठहर जाइए उस प्रेम के मुकाम, वही आपकी मंजिल है, वही आपका डेस्टिनेशन है कि जहां आप सिवाय प्यार के और कुछ भी न बच जाए तभी सोचिए कि आपने अपनी मंजिल पाई, और कोई भी चीज पाने के लिए सब जो कुछ कार्य कर रहे हैं, जो आपने इंतजाम किए, जो खूबसूरती से सजाया है, सब कुछ इतना सुंदर बनाया है, आज पूजा में भी सब तत्पर है, उस वक्त आप ठहर जाए एक बात पर, हम इस प्यार सागर में पूरी तरह से घूम जाए, हमारी शुद्धताएं, हमारा छोटापन, हमारी सीमाएं सब लांघ कर हम तादाद में आ जाए, तदाकारिता हमारे अंदर आ जाए। ये इच्छाएं आज इस वक्त इसी क्षण पूरी हो जाए। आप तो जानते हैं मुझे कोई इच्छा नहीं और मेरी कोई इच्छा नहीं होने की वजह से कोई इच्छा पूरी भी नहीं, सब आपकी इच्छाओं के सहारे में चल रही, इसलिए इच्छा आपको पूरा करें। ये इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा अगर कहीं जाएगी
तो वो जैसी और इच्छा है वो उसी तरह की बेकार। पर ये शुद्ध इच्छा की जागृति, इस शुद्ध इच्छा की जागृति होनी चाहिए, माने उसको आपको क्रिया में लाना चाहिए, एक्शन में लाना चाहिए। आज सब लोग जाने से पहले एक दूसरों से प्यार से मिले, सबसे बात करें, सबको पहचाने, ये नहीं कि बंबई वाले अलग, दिल्ली वाले अलग, मद्रास वाले अलग, पूना वाले अलग, ये सब भूल जाए। ये सब मिथ्या है, झूठ है, ये है नहीं, ये व्यर्थ की बकवास है। ये सब भूल करके आपस में प्रेम से मिले आज सबसे बात, यही आज हमें दीजिएगा और हमें कोई चीज की आशा नहीं, इसी का आशा के सहारे जी रहे, प्रेम खूब बढ़े और ये आत्मा का प्यार, इसका प्रकाश बढ़ के सारे संसार में छा जाए। संसार की जितनी दुर्घटनाएं हैं, जितनी दुखताएं हैं, और जिस तरह से आज संसार एकदम से दुख और पश्चाताप के बीच में डोल रहा है, उसके सामने एक कोई ठोस चीज रखी जाए। आप कोई भी अपने को किसी से कम न समझे, सब हमारे लिए बंधनीय, हमारे प्यार हैं, और इसी से हर इंसान को अपने प्रति श्रद्धा गौरव रखते हुए, अपने से प्रेम रखते ही सबको आप प्रेम करना सीख जाइए। जो आदमी स्वयं से प्यार नहीं करता वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। यही स्वयं जो हमारे अंदर आत्मा है, उसके प्यार में और गौरव में, उसके प्रकाश में आप दूसरों का सुंदर स्वरूप देखें और उससे पुलकित आनंदित होकर के और इस गहन प्रेम के सागर में डूबते रहें, यही मेरा आप सबको आशीर्वाद है।